यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 310 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अराउंड 7 टाइम्स इट वॉज देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। समझिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैं आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जानना चाहूंगा, गिवन क्या है, फिक्स्ड क्या है। हाँ जी, स्फीयर इज फिक्स्ड विद अ सर्टन रेडियस कैपिटल आर, यस और नो? तो ये बेटा अगर मेरा एक स्फीयर है तो इसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। ये मेरा सेंटर ऑफ स्फीयर अगर ले लूं ओ, तो ये यहां पे रेडियस आर, ये रेडियस आर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसमें कोई शक नहीं। फिर वो कहता है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। तो कौन स्फीयर के अंदर है या स्फीयर कौन के अंदर है? कौन स्फीयर के अंदर है? तो 101% ये मेरी फिगर कुछ ऐसे बनने वाली है। क्या ये बात कैच की? श्योर? और अगर नोटिस करो, ये भी तो रेडियस हुआ और ये यहां तक आते आते ये पूरी बन गई हाइट ऑफ कोन। क्या बन गई? हाइट ऑफ कोन। इसमें कोई शक नहीं। ये बन गई हमारी स्लांट हाइट, और ये बन गया रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन को स्मॉल आर ले लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत? रेडियस ऑफ कोन को क्या ले लिया? स्मॉल आर। और आपको पता है कोन का पूरा नाम क्या होता है? कोन का पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर कोन, कि इसके नीचे एक सर्कल बन रहा है और ये हाइट, हाइट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दिस पॉइंट क्लियर टिल नाउ? अगर मैं इस पॉइंट को स्मॉल एक्स ले लूं तो मेरी हाइट ऑफ कोन क्या हो गई? एक्स प्लस आर। यस, लेट इज एज स्मॉल एच। बोलिए, रेडियस ऑफ कोन को मैंने स्मॉल आर ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि यहां से मैं कोई ना कोई तो रिलेशन एस्टेब्लिश करूं। अब वो कह रहा है टू प्रूव, में सबसे पहले प्रूव को समझते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब मेरा कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा करो, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, यस और नो? तो ये मेरे से डिमांड कर रहा है कि भाई 1/3 πr²h जो है वो होना चाहिए 8/27 होगा शायद। 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो टेक्निकली मुझे इस चीज को इसके साथ रिलेट करना है। दैट मीन्स मुझे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं किन किन के बीच में? स्फीयर और कोन के बीच में। वेरी गुड, श्योर? अगर आप नोटिस करिए, अगर ये ओ है और ये ए है और ये बी है, क्या ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? बोलो। सो यहां से अगर मैं बात करूं इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, क्या मेरा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये बन गया कैपिटल आर स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर और ये बना आर स्क्वायर। श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स जो है हाइट ऑफ कोन माइनस आर नहीं है। क्या ये बात कैच की सबने? हाइट ऑफ कोन को मैंने एच लिया, तो यहां से एक्स देखो बेटा, यहां से एक्स देखो क्या बना? एच माइनस आर। श्योर? अगर आप ये पॉइंट समझ पाए तो आप ये भी समझ पाए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर होगा।
तो यहां से आर स्क्वायर कट गए। अब मेरे पास रिलेशन, चाहे मैं आर यूज करूं चाहे एच यूज करूं, वो मेरे हाथ में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और अगर मैं यहां से स्मॉल आर स्क्वायर की बात करूं तो ये बन गया मेरे पास 2HR - H2। ये भी क्लियर है? चर्चा किस पे थी? मैंने आर स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि आर स्क्वायर पका पकाया मेरे पास बन रहा है फॉर्मूले के अंदर, इसीलिए मैंने आर स्क्वायर लिया। इज दिस क्लियर? अब मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h। गुड मॉर्निंग हर्षमीत सिंह। वॉल्यूम 1/3 πr² की जगह क्या लिख दूं बेटा? 2πr - h²(h). अब ये कैपिटल आर बताओ फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। 2HR, सॉरी जी, 2HR। ये आर फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है, तो इससे कोई तंग नहीं हम। दैट मीन्स इस पूरी टर्म में मेरे कितने वेरिएबल्स हैं? एक कौन सा? तो मेरा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एच हो गया कि नहीं हो गया? बन गया ना, फंक्शन तैयार हो गया। अब मैं एक काम और करता हूं, ये एच को भी अंदर ले आता हूं। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एच बना 1/3 πr²-h³। सो मेरा पहला स्टेप क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब समझ रहे हो? पहले जब जब जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत की, मेरा पहला स्टेप 2 या 3 लाइनों में कंप्लीट हो जाता था, अब पूरा पेज भर गया तो जाके मेरा फंक्शन तैयार हुआ। क्योंकि इसके बाद तो वही टेक्निकली 3 स्टेप है। पहला स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा? डेरिवेटिव। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की बात करूँ v-h की, 1/3 πr कॉन्स्टेंट एज इट इज, 2r एज इट इज, h² का डेरिवेटिव 2h, 2r × 2h 4rh, माइनस h³ का डेरिवेटिव 3h². सो मेरा डेरिवेटिव आ गया बेटा। अगला स्टेप, पुट v-h = 0। ये 0 चला गया, ये सारा 0 बन गया, तो नेगेटिव बन गया उसके साथ। सो 4rh = 3h²। यहां से एक कटा, तो यहां से, अच्छा एक चीज और बता दूं, कई बच्चे वो h कॉमन करके करते हैं, कर सकते हो, उसमें एक h 0 आने वाला था, हाइट 0 पॉसिबल। याद है जब हम रूट्स निकालते होते थे, मैं क्या कहता था, कभी भी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म ना हो तो 2 रूट्स बनाओ, एक 0 होगी उसमें। तो यहां कोई टेंशन नहीं थी उसको इसकी, क्योंकि हाइट 0 नॉट पॉसिबल, मेरे 2 स्टेप ही ऐड होने थे। इज दैट क्लियर? मुझे रिजेक्ट करना पड़ना था विद अ रीजन, तो देयर इज नो नीड, हमने सीधा एच से h² काट दिया। तो यहां से h क्या बना मेरे पास? h बना 4r/3। h क्या बना? 4r/3, दैट इज माई क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज माई। अब यहां से क्या मैं स्मॉल x निकाल सकता हूं? ये पार्ट पर टेक्निकली मेरे पास कैपिटल h आई गया, बात ही खत्म होगी। दैट मीन्स मुझे r निकालना चाहिए। उसने मेरे से क्या मांगा? वॉल्यूम मांगा ना, क्या वॉल्यूम प्रूफ करना है? प्रूफ करना है, फिर बात ही खत्म। फिर अगला स्टेप क्या करें? v// h 1/3 πh 4rh का डेरिवेटिव माइनस 6h। अब h की वैल्यू क्या पुट करें? 4r/3 क्या पुट करें? सो v// 4r/3 1/3 πh 4r - 6 × 4r/3 3 2s are 4r - 8r - 4r, तो ये बन गया 1/3 πh × -4r, विच इज ऑलवेज लेसर देन 0। तो लेसर देन 0 पे मैक्सिमम होता है। सो मैं क्या लिखूंगा? देयरफोर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h = 4r/3। इसमें कोई शक? कोई शक नहीं, श्योर। अब मुझे सारे का सारा क्वेश्चन क्रिएट किसमें करना है? वॉल्यूम निकालने में, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, जो मुझे टू प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सफियर। इज दैट क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है?
1 by 3 pi r square h. Sure? 1 by 3 pi r square को मैं ये लिख दूं. Sure? Is that clear? बोलिए. अगर ये चीज समझनी है तो मैं पहले ही r square की थोड़ी वर्किंग कर लेता हूं. r square था 2hr minus h square. ठीक है बच्चा, 2 h की जगह क्या लिखूं, 4r by 3 into r minus 4r by 3 का होल स्क्वायर. बेटा ये पार्ट कवर हो रहा है वीडियो में, देखना जरा. हो रहा है? ओके. तो ये बन गया मेरे पास 8r स्क्वायर by 3 minus 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर by 3 by 9. सॉरी जी, सॉरी, by 9. एलसीएम लेते ही मेरे पास नीचे आया 9 और ये बन गया 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर. क्या बना? 8r स्क्वायर बाय 9 r स्क्वायर. मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी. मुझे r में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में इंटरेस्ट है? r स्क्वायर में. तो ये वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ. ये बन गया 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू h की जगह क्या लिख दूँ बेटा, 4r बाय 3. अपने सामने ना ये फिगर रखना तो आंसर निकलेगा. आपको 8 बाई 27 सबसे पहले बाहर निकालना है. क्या 8 है? बिल्कुल है. क्या 9 3 जा 27 है? बिल्कुल है. हमने 8 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, 9 यूज कर लिया, इंटू 4 है 3 है वो भी यूज कर लिया, पाए बी है वो भी यूज कर लिया, बचा गया आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब. और ये चीज क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सफेयर. तो आप यहां पे कंक्लूड क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 बाई 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सफेयर. और माइंड माय वर्ड्स, ये 5 मार्कर का एनसीईआरटी से लिया हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. करिए जी नोट.